हेलो एवरीवन, मैं अरविंद, जनरल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। एसएससी और रेलवे एग्जामिनेशन के लिए कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक नहीं पढ़ें, कहाँ से प्रिपरेशन करें, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं आप सभी के। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर एसएससी के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, जीडी के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। तो इस वीडियो के अंदर एसएससी और रेलवे एग्जामिनेशन में जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो कौन कौन सी एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक अच्छी हो सकती है, आप कहाँ से प्रिपरेशन करें, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं भी एक एसएससी एस्पिरेंट रहा हूँ। इसके अलावा पिछले 6 महीने से एसएससी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वो सारी मैं बात आपसे करने वाला हूं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से सारी बातें आपको बताने वाला हूं। आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट है, क्या अच्छा रहेगा, कहां से तैयारी करें, कैसे प्रैक्टिस करें, तो पूरा एनालिसिस करने वाला हूं एसएससी और बैंक एग्जामिनेशन को लेकर। तो अंत तक वीडियो को देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहां पर एसएससी रेलवे की बात करें। अब मैंने ये एसएससी रेलवे को साथ में क्यों लिया है, क्योंकि लगभग सिलेबस सेम सा होता है और पैटर्न भी सेम सा होता है, क्योंकि दोनों में सीबीटी होता है, रेलवे में भी सीबीटी होता है, जबकि आपका जो एसएससी है उसमें भी सीबीटी होता है। एसएससी की बात करें, एसएससी की जितनी भी एग्जाम होती हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, आपका जीडी हो, एमटीएस हो, सभी एग्जाम में जो सीबीटी फर्स्ट का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं, 25 आपके रीजनिंग के होते हैं, 25 आपके जनरल अवेयरेंस यानी जीके और करंट अफेयरेंस के होते हैं, और 25 आपके यहां पर इंग्लिश के होते हैं। तो यहां पर 4 सब्जेक्ट मेजर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आपके इंग्लिश हो गई है, मैथ हो गई है, जीके हो गई है और रीजनिंग हो गई है। स्पेशली यहां पर जीके को मैं टारगेट करूंगा, क्योंकि मैं यहां पर जनरल अवेयरेंस का टीचर हूं। मैं जनरल साइंस और स्टैटिक जीके काफी लंबे समय से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, तो उसको तो मैं टारगेट करूंगा। साथ भी सजेस्ट करूंगा कि और बुक्स कौन कौन सी बेस्ट है, क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन की हुई है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा क्या पढ़े, कहां से पढ़े, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है और एक गाइडेंस होना जरूरी है। वैसे तो बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक सेल्फ गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी भी एग्जाम के मैंने नाम लिखे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2 होने वाला है, सीबीटी फर्स्ट हो चुका है, और रेलवे ग्रुप डी, इन एग्जाम के लिए क्या पढ़े। दोस्तों अगर सबसे पहले मैं जीके की बात करूं तो जीके के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा जो सब बताते हैं वही बताना चाहूंगा, अलग से कुछ नहीं है कि भाई मैंने कोई अलग से बुक बनाई है उससे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो हमेशा से चल रही है, जैसे पार्ले जी बिस्किट है, वो हमेशा से चल रहा है तो अभी भी चलेगा, क्योंकि चल रहा है वो, तो उसी दर में चल रहा है। उसी प्रकार से जो यहां पर लूसेंट जो बुक आती है, जनरल अवेयरेंस की, जीके की जो बुक आती है कंप्लीट लूसेंट, वही आपको पढ़नी है। मैं तो कहूंगा जीके के लिए, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के लिए भी आप लूसेंट ही पढ़ें, और साइंस के लिए भी आप लूसेंट ही पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठते हैं और एनसीईआरटी का काफी अच्छी तरीके से साइंस का समझा रखा है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, साइंस की भी और जीके की भी। अगर हम बात करें यहां पर, इसके अलावा और भी आप बिल्कुल ही मतलब एक आईएएस लेवल तक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी। जो ऑथेंटिक फैक्ट है वो आपको एनसीईआरटी में क्लियर मिलेंगे, लेकिन यहां पर हम एसएससी रेलवे की बात कर रहे हैं तो एसएससी रेलवे के लिए यहां पर सफिशियंट जो बुक है वो आपकी लूसेंट हो जाएगी। और अगर आप MCQs करना चाहते हैं, आप जो है यहां पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप घटना चक्र या किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको भी आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। देखो मैथमेटिक्स वैसे तो आरएस अग्रवाल, माथुरिया जैसी बहुत पहले से जो चलती आ रही है बुक, वो बेसिक है। अगर आपको बेसिक सीखना है तो आप आरएस अग्रवाल या इनसे सीख सकते हैं, लेकिन अभी बहुत एडवांस लेवल हो चुका है 2016-17 के बाद में, जो एसएससी का मैथ्स का लेवल हुआ है बहुत ही गजब हो चुका है, तो अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के आगे हैं, कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाने लगी है। तो आप सभी को बताया कि मैथ तो सीखने से आता है, तो आपको सीखने के लिए किसी टीचर से पढ़ना होगा। और जो ऑफलाइन के जो टॉप फैकल्टी हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, एसएससी में जाने माने टीचर्स हैं, जैसे पवन राव सर हो गया, इनके अलावा अभिनय सर हो गए हैं, राकेश यादव हो गए हैं, तो इनके क्लास नोट्स चलते हैं, इनकी क्लासेज भी चलती हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, इनकी बुक्स आती है, आप वो ले सकते हैं, आपके लिए सफिशियंट रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए किरण की बुक अच्छी आती है, आप वो परचेज कर सकते हैं, और भी काफी सारी बुक्स आती हैं। इसके अलावा लास्ट में रीजनिंग भी आप आर एस अग्रवाल, माथुरिया, सिखवाल या इसके अलावा और भी काफी सारी बुक्स आती हैं, किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। तो रीजनिंग तो जिसकी मैथ अच्छी है रीजनिंग आसानी से कर लेगा, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। अब हम यहां पर डिटेल में बात करेंगे, जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं वो है जीके और जनरल साइंस, दोनों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं बात करूंगा यहां पर एसएससी जीडी की।
अभी जो वैकेंसी निकली हुई है एसएससी जीडी की निकली हुई है, फॉरम आपके भर चुके हैं, एग्जाम डेट आ चुकी है। 16 नवंबर से आपके जीडी के यहाँ पर जो है पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और 15 दिसंबर तक आपके पेपर चलेंगे। तो अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी में वो जीडी की तैयारी कर रहे हैं और काफी सारे कॉमेंट आते हैं, सर जीडी के लिए कोई बेस्ट बुक बताओ। अलग अलग बुक तो मैंने आपको बता दी, अगर आप अलग अलग बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है, एक प्रॉपर गाइड पढ़नी है, क्योंकि एसएससी जीडी का लेवल ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि 10th लेवल मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो उसी हिसाब से पेपर बनाया जाता है। कट ऑफ ज्यादा रहती है तो मेहनत भी ज्यादा करनी होगी, लेकिन लेवल ज्यादा होता नहीं है। तो एक कंप्लीट गाइड मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक आती है यहां पर एसएससी जीडी कांस्टेबल लक्ष्य की गाइड आती है, गाइड आप ले सकते हैं। इसमें अच्छा क्या है तो मैंने इसको देखा है, एनालिसिस किया है, इसमें पुराने पेपर्स दे रखे हैं। दोस्तों पुराने पेपर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया, 25-25 क्वेश्चन आएंगे इसमें, एक और इसमें ऐड कर लेना, हिंदी भी इसमें आती है, वो आप पे डिपेंड करता है आप हिंदी करते हैं इंग्लिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा लेवल रहता है, मतलब वैसे क्वेश्चन में लेवल नहीं रहता, लेकिन क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं और ये बुक आपके लिए बेस्ट है। स्टार्टिंग में इसके अंदर पुराने पेपर्स दे रखें, वो भी विद सॉल्यूशन दे रखें, तो आप देख सकते हैं कैसा लेवल है, पहले पेपर कैसे आते थे, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा कंप्लीट पूरा जो सिलेबस है आपका, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो आपका मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, कंप्लीट दे रखा है, तो आप यहां से प्रॉपर गाइड है लक्ष्य की, आप परचेज कर सकते हैं और इससे देख सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं, मेरे पास ये गाइड थी तो मैंने आपको बता दिया, मुझे अच्छी लगी। इसके अलावा जो मेन बात जो बताना चाह रहा हूं, यहां पर अगर आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कोर्स आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी भारत के नंबर वन लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। दोस्तों रोजाना मेरी फ्री स्पेशल क्लास हो रही है, स्पेशली एसएससी जीडी की बात करूं तो शाम को 8 बजे मेरी रोजाना क्लास होती है अनअकैडमी एसएससी कैटेगरी के अंदर, तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास का जो नाम है वो है मातुजी सलाम सीरीज। मैंने स्पेशल जीडी के लिए, जब से स्पेशल मतलब आपका जो जीडी का यहां पर एग्जाम डेट घोषित हुआ है, तभी से मैंने ये सीरीज ओपन कर दी है और रेगुलर क्लास हो रही है। स्टैटिक जीके के लगभग 50-60 क्वेश्चन मैं रोजाना करवा रहा हूं, रोजाना 50-60 क्वेश्चन मैं यहां पर करवा रहा हूं। तो जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल की हो, सीएचएसएल की हो, एमटीएस की हो, जीडी की हो, स्पेशली अगर जीडी की कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 50 में से 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों टारगेट अगर आपका 50 में से 50 नंबर है, आप पूरे कंप्लीट 25 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो ये सीरीज आप ज्वाइन करें, फ्री है। इसके अलावा 6 अक्टूबर से मेरा बैच भी आ रहा है, तो आप मेरा प्लस बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप कैसे मेरी क्लास ले पाएंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। तो भाई क्लास लेने के लिए अगर आपने सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा, तो प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे। करने के बाद में आप एसएससी कैटेगरी में जाएंगे और जाने के बाद फ्री स्पेशल क्लास में जाने के बाद आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरा नाम अरविंद कुंडारा सर्च करके आप मुझे फॉलो कर लेंगे, जिससे मेरी सारी क्लासेस आपको मिल जाए। तो लाइव क्लास होती है, रोजाना 1 घंटे की क्लास होती है, लगभग 50-60 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। आज भी क्लास होगी, सभी बच्चे क्लास में आके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शाम को 8 बजे क्लास होती है, क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वैसे मेरी 3 क्लास हो रही है रोजाना, सुबह 8 बजे, फिर 11 बजे, फिर शाम को 8 बजे। तो अभी शाम को 8 बजे क्लास है, सभी बच्चे जरूर आए, लेके देखें कैसे क्वेश्चन है, किस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूं, किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें आप नोटिस कर सकते हैं। अच्छा लगे तो रेगुलर रहें और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेस्ट बुक तो क्या मतलब मैंने सबको पता है कि क्या पढ़ना है, बट एक बात मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगा, जो मैंने अपने जितना भी मैंने पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया है, वो एक ही बात बताना चाहूंगा। 10 बुक अलग अलग अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको एक बुक परचेज करनी है, उसको 10 बार पढ़ना है, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो जीके की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो। अगर आप एक ही बुक को 10 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके वो चीज छप जाएगी दिमाग में और वही चीज आपके पेपर में आती है, और आप जब पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो तैयारी करते रहे, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो जो भी अपडेट आ रही है, रेगुलर वीडियोस बन रही हैं, जैसे कोई वैकेंसी आती है, सिलेबस आता है, वीडियो बना दी जाती है, तो चैनल से आप जुड़ते रहें अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।